Hello friends, today I am with you with my another topic of marketing, which is cyber marketing. Cyber marketing, as by the name, you can assume that cyber is always related with the internet. So wo marketing jo hum internet ke through karte hain comes under your cyber marketing. पहले के टाइम में कंप्यूटर सिर्फ हमारी स्टोरिंग और प्रोसेसिंग या डेटा को गैदर करने में काम आता था, बट आज के टाइम में बिकॉज ऑफ द प्रेजेंट सिनेरियो, बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, इंक्रीज इन कंपटीशन, व्हाट द कंपनीज दे आर इन्वॉल्विंग इन देयर मार्केटिंग टेक्निक्स, दे आर मेकिंग इफेक्टिव यूज ऑफ इंटरनेट, दैट इज इंटरनेट कनेक्टिविटी दे आर यूजिंग टू सेल देयर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज टू इट्स कस्टमर्स. दैट इज टूडे नाउ अ डेज जो एक्सचेंज प्रोसेस हो रहा है बिटवीन प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर, वो इंटरनेट कनेक्टिविटी के ही थ्रू हो रहा है. आज के टाइम में कंप्यूटर्स का रोल बहुत ज़्यादा इमर्ज हो चुका है, बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है. देखते हैं, जब भी हम फेसबुक खोलते हैं तो हमारे साइड में एडवर्टीजमेंट्स आते हैं. दैट इज़ व्हाट, दैट इज़ साइबर मार्केटिंग. हम जो मार्केटिंग कर रहे हैं, यानी कि हम जो अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज सेल आउट कर रहे हैं कस्टमर्स को, वो हम इंटरनेट के थ्रू कर रहे हैं. हम वेरियस वेबसाइट्स के थ्रू कर रहे हैं. कंपनीज के डिफरेंट डिफरेंट वेब पेजेस होते हैं, साइट्स होती हैं, जहाँ पर वो अपने प्रोडक्ट्स को सेल करती हैं. इससे क्या होता है, इससे कस्टमर और ज़्यादा अवेयर बनता है कंपनी की इंफॉर्मेशन के रिगार्डिंग और उसकी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज वो जो ऑफर कर रही हैं उसके रिगार्डिंग. इट इज़ अ मार्केटिंग थ्रू इंटरनेट और इंटरनेट बेस्ड मार्केट, जहाँ पर एक ऑर्गेनाइजेशंस ने इंटरनेट पे ही अपना एक वर्चुअल मार्केट बना रखा है. जैसे फॉर एग्जांपल, जब हम पहले के टाइम में जो मार्केट होता था वो लोकल मार्केट होता था, जहाँ पर वी कैन सी एंड टच ईच अदर. बट जो इंटरनेट के थ्रू मार्केटिंग होती है वो हमारी वर्चुअल मार्केटिंग होती है. एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पर जो कस्टमर और प्रोड्यूसर होता है वो इंटरनेट के थ्रू, वाया साइट्स के थ्रू, एक दूसरे से आपस में मिलते हैं. नाउ व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ दिस साइबर मार्केटिंग कस्टमर डेटाबेस. पहले जो डेटाबेस रिकॉर्ड होता था वो फाइल्स में रिकॉर्ड होता था, बट अब क्या है कि कंपनीज दे आर मेंटेनिंग द डेटाबेस ऑफ अ कस्टमर ऑनलाइन. दिस इज रिड्यूसिंग द रोल ऑफ पेपर. ऑनलाइन सेगमेंटेशन, कंपनीज कैन इजीली सेगमेंट द मार्केट ऑनलाइन. कस्टमाइज प्रोडक्ट, फॉर एग्ज़ाम्पल आजकल फुटवेयर्स इतने कस्टमाइज हो रहे हैं, सो और साइबर मार्केटिंग का क्या इसमें रोल हो रहा है कि कस्टमर अपनी जो उनकी चॉइसेस हैं वो ऑनलाइन ही प्रोड्यूसर को बता दे रहे हैं, और प्रोड्यूसर एज पर द डिमांड्स ऑफ द कस्टमर उनके लिए उनका कस्टमाइज प्रोडक्ट, उनके लिए उनका सेटिस्फाइड प्रोडक्ट उनको डिलीवर कर दे रही है. एसेसिबल विलेजेस में, जहाँ पर कंपनीज नहीं रीच कर पाती हैं, वहाँ पर भी आज के टाइम में इंटरनेट के थ्रू कंपनी अपना प्रोडक्ट रीच करवा पा रही है. इजी पोजीशनिंग ऑफ प्रोडक्ट, दैट इज कंपनी एक पॉजिटिव इमेज, एक पॉजिटिव पोजीशनिंग कस्टमर्स के माइंड में अपने लिए क्रिएट कर पा रही है इंटरनेट के थ्रू. देन इंटरनेट कंपनी को एडवर्टीजमेंट और सेल्स प्रमोशन में भी हेल्प कर रहा है. ज़रूरी नहीं है कि कंपनीज जो पुराने मीडियम्स थे सेल्स प्रमोशन के, लाइक लकी ड्रॉ, कॉन्टेस्ट, सिर्फ उसी को ही ऑप्ट करे, बट अब वो इंटरनेट का भी मीडियम फॉलो कर रही है अपनी सेल्स को और ज़्यादा प्रमोट करने के लिए और ज़्यादा अवेयरनेस फैलाने के लिए. मार्केटिंग रिसर्च, जब भी हम यूट्यूब का चैनल खोलते हैं, जब भी हम कोई पेज खोलते हैं, तो बहुत सारे सर्विस कभी कभी हमारे सामने आ जाते हैं, तो वो ऑनलाइन सर्विस होते हैं जिसके थ्रू कंपनीज जो हैं वो रिसर्च कर रही हैं मार्केट में, मार्केट की, कि कस्टमर्स की क्या थिंकिंग है उनके प्रोडक्ट को लेके या उनके कॉम्पिटिटर्स के प्रोडक्ट को लेके. इजी इन पेमेंट, पेमेंट में भी ईज हो गया है. क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड के थ्रू हम ईजिली पेमेंट कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है हम कैश में ही करें. फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिसिटी बिल जो हम ऑनलाइन पेमेंट कर देते हैं. नेक्स्ट इज़ द सेगमेंटेशन एंड टारगेटिंग. कंपनीज के लिए ईजी हो गया है अपने कस्टमर्स को ईजिली सेगमेंट करना और उनको टारगेट करना. सो बेसिकली साइबर मार्केटिंग आज के प्रेजेंट टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इतना ज़्यादा कॉम्पिटिशन बढ़ चुका है और हर एक कंपनी चाहती है कि उसका प्रोडक्ट सबसे पहले कस्टमर तक पहुँचे या कस्टमर सबसे पहले उसका प्रोडक्ट या सर्विस जाने. तो अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए इन रूरल एरियाज ऑल्सो, कि उनका जो प्रोडक्ट है वो हर जगह फैले, खूब ज़्यादा डिस्पर्स हो, उसके लिए कंपनीज आजकल साइबर मार्केटिंग का प्लेटफॉर्म बहुत ज़्यादा यूज़ कर रही हैं. सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे. आई होप यू लाइक माय वीडियो एंड अंडरस्टैंड माय टॉपिक. इफ़ यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ लाइक इट एंड सब्सक्राइब माय चैनल.